तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है अपना चैनल अनमोल बाबा व्लॉग्स में। तो गाइस आज ना मतलब अभी ना व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया गाइस। क्या है कि अभी ना मतलब शाम हो रही है, शाम के 7 बज गए हैं, ठीक है। तो गाइस आज है 29 दिसंबर, ठीक है। तो गाइस ये वीडियो आपको 30 दिसंबर को पड़ेगी, ठीक है, ऑनलाइन। तो गाइस मतलब कि ये रणवीरा नीचे शैतानी कर रहा है। तो गाइस अभी ना मतलब शाम हो गई थी, तो मुझे कोई कंटेंट नहीं मिल रहा सुबह से क्या बनाऊं। तो अभी ना गाइस मम्मी मतलब कि सफाई कर रहे थे घर की, ठीक है। मतलब जो सौदा होता है वो न्यू मंथ आने वाला तो मतलब आया था, तो मतलब ये भाई साहब ना मम्मी के साथ समेट रहे थे सामान सारा, ठीक है। मतलब जहां पर भी रखना है वहां पर रख रहे थे, ठीक है, अरेंज कर रहे थे सारा सामान। तो ना मम्मी तो वैसे सब्जी बना रही है किचन में, पीछे से आपको आवाज आ रही होगी मिक्सी चलने की, तो वो मसाला पीस रही होगी। तो मतलब ये ना सामान संभाल रहा था, ठीक है। तो क्या हो गया गाइस, इसको ना मतलब सामान के अंदर जो कोन होती है पॉपकॉर्न वाली कोन, वो इसको कोन मिल गई है, ठीक है। पिछले मंथ लेकर आए थे मतलब शायद, तो मतलब वो क्या था कि पिछले मंथ बनाया नहीं, याद नहीं रहा होगा, क्योंकि सामान अरेंज करते कई बार भूल जाता है ना, हमको भी टाइम नहीं लगता बनाने का। तो मतलब इसको मिल गई है, तो अब ये जिद कर रहा है, कह रहा है कि मुझे पॉपकॉर्न खाने हैं। तो गाइस देखता हूँ मैं इसके लिए पॉपकॉर्न बनाता हूँ अगर मम्मी मान गई तो, क्योंकि अभी रात हो रही है, डिनर मतलब बनी जाएगा आधे घंटे एक के अंदर, मतलब डिनर एकदम हो जाएगा रेडी। तो ये देखो ये मतलब कि पूरी तरह ना, तो गाइस मतलब इसको पॉपकॉर्न खाने का मन है। तो मतलब कि ये मतलब सीटे सीटे कह रहा है आज मेरा बर्थडे है, मुझे बर्थडे विश करो। तो ये देखो गाइस मतलब फुल ऑन मूर्ति मूड है, ये देखो ये पूरी तरह से शैतानी चल रही है इधर भाई साहब की, देख रहे हो। तो गाइस मतलब सारा दिन इसी तरह शैतानी करता रहता। गाइस ये देखो गाइस कितना डेंजर स्टंट था जो इसने किया था, अभी मम्मी तभी इसको मैं डांटती है कि मतलब ऐसे वैसे करता है कि चोट वोट लग गई। तो गाइस बाकी चलो गाइस अभी ज्यादा कुछ तो है नहीं, ठीक है। तो मम्मी मतलब किचन में मतलब जो खाना बना रही है, तो हम देखते हैं पॉपकॉर्न बनाते हैं, अगर बनाएंगे तो गाइस मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए गाइस फिर हम पॉपकॉर्न पूछते हैं, मम्मी से परमिशन लेते हैं, ठीक है। तो ये बदतमीज लड़का ना मुझे परेशान कर रहा है, ये देखो और नीचे गिर गया। तो गाइस ये मतलब नीचे गिर चुका है, ठीक है, रणवीर अब भी हंस रहा है। तो गाइस मतलब रणवीर नीचे गिर गया, लिटरली गाइस बहुत जोर से गिरा है, तो मतलब मेरी हंसी नहीं रुक रही। तो गाइस चलते हैं बाकी किचन में, ठीक है, मतलब देखते हैं मम्मी ने जो है ना मतलब, ठीक है। तो चलते हैं किचन में, तो हम किचन में आ चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर मम्मी जो अपना खाना बना रही हैं, ठीक है गाइस, ये वो है व्यू जहां पर मैं मदर्स किचन के लिए गाइस मतलब कुकिंग वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। यहां पर मैं बनाता था पहले, ठीक है, मतलब ठीक है, मतलब फोन से ही बनाता था मदर्स किचन के लिए। तो बाकी गाइस जिनको नहीं पता, गाइस मेरा एक कुकिंग चैनल है मदर्स किचन के नाम से, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। एक मेरा गेमिंग चैनल भी है, उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो मतलब जो लोग उन दोनों चैनल में इंटरेस्टेड होंगे वो दोनों जो मर्जी आप चेक कर सकते हैं। बाकी इधर मम्मी मसाला पीस रहे हैं, ठीक है, इसी में, ठीक है, खाने के लिए आलू गोभी बनाने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर काफी शोर है, तो हम चलते हैं यहाँ से, ठीक है, नेक्स्ट रूम में। मतलब लिटरली गाइस मतलब कि मम्मी ने जो रणवीर की इच्छा पूरी कर दी है, वैसे अभी मम्मी मानने नहीं वाली थी क्योंकि डिनर का टाइम था, अगर जो पॉपकॉर्न खा लेते तो बाद में इसने कुछ खाना नहीं खाना था, तो मम्मी वैसे तो मना कर देती, पता नहीं कैसे मान गई, वो कह रहे हैं आराम से कह दिए कोई बात नहीं बना लो तुम। तो गाइस चलो हम पॉपकॉर्न बनाते हैं फिर, ठीक है। अभी थोड़ा सा ना मतलब शोर आ रहा है, मम्मी चला रही है अपनी मिक्सी, चला रही है मिक्सर चला रही है, ठीक है, उसमें मसाला वगैरह पीस रहे होंगे। तो जब तक वो पीसते हो तब तक गाइस मतलब थोड़ा सा वीडियो को करते हैं कट, और गाइस मतलब के फिर हम गाइस बनाते हैं अपने पॉपकॉर्न, ठीक है, बटरी बटरी पॉपकॉर्न। बटर तो मेरे ख्याल से गाइस होगा नहीं, मेरे ख्याल से गाइस प्रॉब्लम हो गई है, तो कोई बात नहीं गाइस, उसका भी सलूशन है, जहां तो रिफाइंड से बना लेंगे या फिर देसी चीज देखते हैं क्या यूज करने को, बटर भी है नहीं, बटर हम कम ही यूज करते हैं डेली बेसिस पर, ठीक है, जहां तो मतलब बाजार से ले आते हैं, अगर मतलब जहां फ्रेश फ्रेश घर पर बनता है तो उसका बाद मम्मी मतलब घी बना लेते हैं, तो मतलब बटर तो मेरे ख्याल से होगा नहीं, क्योंकि बटर ये देखो ये शरारते कर रहे हैं, अभी चोट लगी, अभी गिरा तो मतलब अभी चीख रहा है, देखो ये शैतान लड़का जो है ना, शैतान लड़का, ये देखो पता नहीं गाइस ये सारा दिन यूट्यूब देखता रखता है, तो पता नहीं क्या क्या कौन कौन से डायलॉग याद कर लेता है। कल बोल रहा था बेटे मौज कर दी गाइस, ये देखो गाइस फिर से लिटरली पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या सीख लेता है, देखो अरे देखो गाली दे रहा है, मतलब पता नहीं अलग ही लेवल का नशा है इसको। तो गाइस इधर सब्जी बन रही है, ये देखिए मसाला हरा हरा है गाइस, ये कोई कलर वलर नहीं है, इसमें धनिया डाला हुआ है मम्मी ने, ठीक है।
तो मतलब मम्मी ने जब इसको मिक्सी में ग्राइंड किया तो मतलब कलर हरा हरा आ गया पूरे मसाले का। अभी इसमें नमक डाल रहे हैं। तो गाइस मतलब कि ये हम ऐसा लग रहा है जैसे मैं मतलब कुकिंग चैनल के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो गाइस इसको करते हैं स्किप। तो हम गाइस अभी बनाने वाले हैं अपने पॉपकॉर्न, ठीक है। अभी प्रोसेस शुरू करते हैं, चलिए। तो गाइस कैसे हैं गाइस, ये मम्मी ने आलू गोभी की सब्जी बनाई है, तो साथ में गाइस ये सिंगाड़े के आटे की रोटी है। तो गाइस जो हमारे पॉपकॉर्न बनाने का प्लान था वो गाइस ऑफ हो गया, क्योंकि मतलब कि मम्मी मतलब डिनर बस रेडी था, तो मतलब कि हमने फिर पॉपकॉर्न ही बनाया। मम्मी कहती कोई बात नहीं रहने दो, पॉपकॉर्न छोड़ो। तो गाइस सीधी हम मतलब डिनर कर रहे हैं। तो ये साथ में गाइस आलू गोभी की सब्जी है, साथ में सिंगाड़े की रोटी है। गाइस काफी ज्यादा मतलब देखो एकदम गर्म गर्म लाया हूँ, ठीक है। हाथ भी नहीं लग रहा, एकदम तवे से उठा कर लाया हूँ। तो गाइस मैं अभी खाता हूँ, मतलब गाइस देख रहे हो मतलब कितनी क्रंची हो गई है। तो चलो गाइस मतलब व्लॉग काफी लंबा हो गया, चलो गाइस व्लॉग को कर देते हैं एंड, ठीक है। तो गाइस ये मेरा रणवीर है, चलो गाइस व्लॉग को कर देते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय।